जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक आपके आगामी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई माह में सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया गया। उसके कुछ ही समय बाद चीन ने भी अपने मंगल मिशन को लॉन्च कर दिया है और इसी माह के अंत में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इसीलिए यह टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम भारत, चीन और अमेरिका के मंगल मिशन की कौन सी विशेषताएँ रही हैं, चीन का जो मंगल मिशन है वह अन्य देशों के मंगल मिशन से क्यों इतना अलग है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसरो के मंगलयान मिशन से। तो इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमारे मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था और यहां पर इसरो ने PSLV C-25 रॉकेट का यूज़ किया था। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि रूस के बाद में भारत एशिया का दूसरा ऐसा देश बना था जिसने मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया था और पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया था। यानी कि हमारे देश से पहले दुनिया के किसी भी देश के द्वारा पहले ही प्रयास में मंगल मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं किया गया था। भारत से पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने, उसके बाद रॉसकॉस्मोस जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सफलतापूर्वक मंगल मिशन को कम्प्लीट किया गया था। नासा का जो मिशन था वह सबसे पहला था और इसका नाम था मैरिनर 9। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मैरिनर 9 जो मिशन है वह किस ग्रह के लिए था या मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, मैरिनर 9 जो मिशन था नासा का यह मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन था। अब भारत ने 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च कर दिया PSLV C-25 रॉकेट की सहायता से और इसके अंतर्गत इसरो के द्वारा मंगल ग्रह पर एक ऑर्बिटर भेजा गया था और ये मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था और आज भी ये पूरी तरीके से मंगल ग्रह की जो कक्षा है उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है और मंगल ग्रह के बारे में जानकारी इसरो को भेज रहा है और इसरो के द्वारा ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी निगरानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो कि बेंगलुरु में है इसकी सहायता से की जा रही है और इसमें इसरो का सहयोग कर रहा है बेंगलुरु में स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। तो अभी भी हमारा जो मंगलयान मिशन है वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो ये हमने बात की इसरो के मंगलयान मिशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अमेरिका के द्वारा 30 जुलाई को जो मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा मार्स ग्रह पर एक रोवर भेजा जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नासा का लैंडर होगा वह मंगल ग्रह के ऊपर जजीरो क्रेटर पर लैंडिंग करेगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा देश भारत है उसने केवल ऑर्बिटर भेजा था और ये जो ऑर्बिटर है ये मार्स के चारों तरफ परिक्रमा मात्र कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका एक रोवर भेजेगा जिस रोवर का नाम है परसिवरेंस और इसी माह के अंत में यानी कि 30 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद में अगले वर्ष अमेरिका के द्वारा एक हेलीकॉप्टर को भी मार्स ग्रह पर भेजा जाएगा और उस हेलीकॉप्टर का नाम होगा इंजेन्यूटी। तो जब ये मिशन लॉन्च हो जाएगा तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे चीन का जो Tianwen-1 मिशन है या अन्य देशों के जो मार्स मिशन है उनसे अलग है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि चीन के द्वारा पहली बार प्रयास किया जा रहा है मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए। इनके द्वारा रूस के सहयोग से 2011 में मंगल ग्रह पर पहुंचने की एक असफल कोशिश की जा चुकी है। इनका जो रॉकेट था वह यही पृथ्वी पर ही ब्लास्ट हो गया था और उस दौरान जो इनका यंग हाउ 1 मिशन है यह पूरी तरीके से फेल कर गया था। तो अब यहाँ पर चीन के द्वारा 23 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से तियानवेन 1 मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस मिशन की खास बात यह है कि चीन की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा, एक लैंडर भेजा जाएगा और एक रोवर भी भेजा जाएगा। जिस प्रकार से हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था उसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा था, उसी प्रकार से यहाँ पर चीन के द्वारा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे जाने की योजना है। और जब इस प्रकार से किसी भी मिशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भेजी जाती हैं तो उस मिशन के असफल होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रयान मिशन के दौरान जो हमारा लैंडर था वह पूरी तरीके से क्रैश कर गया था। तो जो चीन के द्वारा यहाँ पर मंगलयान मिशन को या मंगल मिशन को लॉन्च किया गया है 23 जुलाई 2020 को, वह जो स्पेस क्राफ्ट है मार्स पर पहुँचेगा फरवरी 2021 में, और फरवरी 2021 में यूएई का भी मिशन वहाँ पर पहुँचेगा। यूएई के मिशन का नाम क्या है वह आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसीलिए चीन का ये जो मार्स मिशन है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इनके द्वारा एक साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजे जाने की योजना है। और इस प्रकार से चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा यूएसए और रूस के बाद में जो चंद्रमा के ऊपर मार्स के ऊपर अपने रोवर को भेजेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा मंगल ग्रह है और यहाँ पर आपको मिलेगा यूटोपिया प्लांसिया, ये है यूटोपिया प्लांसिया जहाँ पर ये अपना रोवर भेजेंगे। तो फरवरी 2021 में यह रोवर पहुँचेगा और वहाँ पे जाकर के लैंडर पहले लैंड करेगा फिर वहाँ से रोवर निकलेगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा, ऑर्बिटर जो होगा वह मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, फिर यहाँ पर होगा लैंडर और उसके बाद में होगा रोवर। तो रोवर जो है वह 90 दिनों तक इस मार्स ग्रह का पूरी तरीके से एनालिसिस करेगा, यानी कि किस प्रकार से इसका कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें मार्स ग्रह के ऊपर मिलती हैं। और ये जो यूटोपिया प्लांसिया है इसके नीचे जल पाए जाने की भी संभावना है, तो इन सभी के बारे में चीन के द्वारा यहाँ पर एनालिसिस की जाएगी। तो देखना होगा कि चीन का जो यह मिशन है वह कितना सफल होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने तीनों देशों के स्पेस एजेंसियों के द्वारा जो मार्स मिशन लॉन्च किए गए हैं उनके संबंध में परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाकर के आपको सिंपली सर्च करना है KB गुरुजी, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन हो लें जिससे आपको हर वीडियो की PDF वहाँ पर मिला करे। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।